हाँ जी Thank you very much. Thank you very much, sir, for your question. Thank you very much. Perhaps wonderfully said, Aryan. मैं सवाल करना चाह रही हूँ आपसे बहुत देर से. रेखा जी, मैं भी सवाल करना चाहता हूँ बहुत देर से. प्रतीक्षा जी से एक सवाल है कि नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेज़न हो गया या फिर और भी जो OTT प्लेटफॉर्म है, उनकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस कौन है? क्या वो जो मतलब चर्चगेट से विरार जाने वाली ऑडियंस है जो फोन पे देख रही है, या फिर टीयर टू सिटीज की ऑडियंस है? आप लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं? और दूसरा सवाल अपने कार्तिक भाई से भी. कार्तिक, अब कार्तिक आर्यन जी सर ब्रांड हैं. ओके, आज के कार्तिक को किन चीजों की वजह से सारे प्रोड्यूसर्स लुका छिपी नहीं कर रहे हैं जी. उनके पीछे रेस लगा रहे हैं? नहीं सर. पहले प्रतीक्षा जी, उस टाइम कुछ विजिटिंग हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि लॉकडाउन में थे जब ये प्लानिंग चल रही थी. एंड उससे ज़्यादा हमने जूम कॉल्स में काफ़ी ऐसे ऑफकोर्स मैं नेम बट मैं काफ़ी ऐसे लोगों से बात की थी या रिपोर्टर से. मैं शुरुआत में फिल्म में एक RJ भी प्ले कर रहा हूँ जैसा कि आपने देखा तो. एंड वो चेंज टू वो अपने रिपोर्टर जो पहले था हुआ करता था उस वाले सेंस में आता है. तो वो एक तो रेडियो जॉकीज उनके साथ बातें की, जूम कॉल्स होने लगे थे. ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सबके काम जूम कॉल्स पे होते थे, तो इसमें भी वही हुआ था. जो भी वर्कशॉप थी, जो भी बातें थी, जिसका भी इनफैक्ट जो जब रेडियो वाला हमारा जो रेडियो जॉकी रूम था उसमें क्या बटन्स क्या चलते हैं या कैसी जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं उसके बारे में सब जूम कॉल में ही मैंने विजिट किए थे. न्यूज़ रूम्स चाहे तो चाहे रेडियो स्टेशंस, तो उनके वीडियोस वहीं पे देखे थे. एंड दैट्स व्हाट वी डिड आई थिंक विथ रिपोर्टर्स ऑल्सो, टीवी रिपोर्टर्स ऑल्सो. उनके साथ भी काफ़ी मेरी वर्कशॉप्स और काफ़ी बातें हुई थी कि किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं या किस तरीके से वो बात करते हैं. तो ये बहुत हुआ था शुरू में. But this is only to get a sense of realism and truth because that's the way that we shoot and the way we work. Yeah. But having said that, the film is not about journalism. That is just the backdrop. I just want to repeat myself. Have I said that before? It's a human drama film about a man who is ambitious. Did I say that?